कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है कृषि बाजार में। बासमती चावल के बाजार में तो तेजी आने की खबरें सामने आ रही है। इसमें बासमती चावल निर्यात में 7-20% तक की वृद्धि होती हुई नजर आई है। भारतीय चावल के प्रमुख खरीदार सऊदी अरब, ईरान के साथ साथ इस बार इराक में भी शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का इस बारे में कहना यह है कि अच्छे रहने और चलने के आसार अधिक हैं, और ईरान से पेमेंट आने और नया ऑर्डर मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि रूटीन मैटर करता है और प्रक्रिया भी चलती रहती है। उनका बताना यह है कि आगामी 22 जुलाई से ईरान चावल आयात बंद कर सकता है, जैसे कि वह हर साल करता है, क्योंकि वहां से घरेलू फसल आने का समय होता है। और यदि ईरान इस आयात पर रोक लगाने की अवधि को 1 महीने तक कम करता है तो ज़्यादा माल जाने की भी संभावना है। इस बीच हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का कहना यह है कि नई सरकार आने से अनुमान ये है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब गैर बासमती पर 20% तक टैक्स और न्यूनतम निर्यात मूल्य $950 प्रति टन की सीमा समाप्त होगी, जिससे बाजार में तेजी आएगी। उनका कहना है कि 15 दिन में 400 से 500 रुपये तक की तेजी आई है, लेकिन आने वाले समय में आगे और भी 200 रुपये तक बाजार में बढ़ सकते हैं। इन दिनों 1509 साठी धान की आवक शुरू हो चुकी है। गढ़ में कल भाव 2750 रुपये के आसपास बोला गया था। भाव अच्छा है और ऊंचा है, और इस बार RS-10 सुगंधा ताज आदि जो चावल है इसमें 200 से 300 रुपये तक की तेजी भी संभव है। इस साल बासमती धान में बिजाई के कुछ किस्मों में घटने और बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो नई सरकार आ रही है, इसकी वजह से अगर सरकार जैसे फैसले लेती है तो उसकी वजह से मार्केट में अभी जो चावल जो बाजार है 400 से 500 रुपये तक, जहां दाम ऑलरेडी अभी तक तेज़ हो चुके हैं, वहां पर 200 से 300 रुपये तक की और भी तेज़ी आने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।